बिल्कुल बच्चों, हमारा चल रहा है सिमिलैरिटी और हम काम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलो देखो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 10 की। देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और डायग्राम निकालने के बाद में जो जो उन्होंने कहा है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे जो भी आंसर्स पूछे हैं उससे उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर जो दिख रहा है उसी का काम करते हैं। यहाँ पर एस दिख रहा है, यहाँ पी है, क्यू है और आर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ काम करेंगे फ्रॉम फिगर। चलो बताइए, फ्रॉम फिगर हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। सो क्या दिया उन्होंने, पी क्यू पैरेलल डी ई। अब देखो, ये जो पी क्यू दिख रहा है ये पैरेलल है हमारे डी ई को। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल लेने वाला हूँ इसके संबंध में एक्स डी ई, ठीक है। तो काम करेंगे हम इन ट्राइंगल एक्स डी ई में। क्या होगा, यहाँ पर देखो पी क्यू पैरेलल को उन्हें डी तो लिख देते हैं, पी क्यू पैरेलल डी, ये हमको क्या है यहाँ पर गिवन है। और जैसे ही हमको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम बीबीडी लगाते हैं। तो देखो, यहाँ से जाएंगे तो एक्स पी अपॉन पी डी होगा, तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, इधर एक्स क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू ई, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ए हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और कारण देंगे बाय बीपीडी, ठीक है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल वेलोसिटी थ्योरम। चलो दूसरा क्या है, क्यू आर पैरेलल ई एफ। तो ये देखो, ये जो क्यू आर है पैरेलल ई एफ है, तो हम ट्राइंगल लेंगे एक्स ई एफ, यहाँ काम करेंगे इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, क्यू आर पैरेलल ई एफ, ठीक है, क्यू आर पैरेलल ई एफ है, ये चीज भी हमको क्या है गिवन है, क्योंकि हम हर एक चीज को रीजन देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, जैसे ही एक्स ई एफ में क्यू आर पैरेलल ई एफ मिल गई तो एक्स क्यू और क्यू बी इज इक्वल टू एक्स आर और आर एफ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, यहाँ लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और फिर से रीजन रहेगा बाय बीपीटी, तो बीपीटी के कारण हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसने कहा क्या है वो देखो, पी आर पैरेलल डी एफ बताना है। सो ये देखो आपका, ये हो गया आपका पी आर और ये डी एफ, तो एक्स से अगर काम करते हैं तो एक्स डी एफ में काम करेंगे, तो इन ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल एक्स डी एफ। अब क्या चाहिए था, देखो एक्स डी एफ में हमको पी आर पैरेलल कौन चाहिए, डी एफ चाहिए। तो यहाँ होना क्या चाहिए, एक्स पी पी डी, ये एक रेशो, ठीक है, जो हमने यहाँ निकल के रखा है। दूसरा एक्स आर आर एफ, ये एक रेशो जो हमने यहाँ निकल के रखा है। दोनों रेशो सेम चाहिए, तो देख लो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों रेशो सेम है, एक्स क्यू अपॉन क्यू भी एक्स क्यू अपॉन क्यू। सो फ्रॉम वन एंड टू क्या बोलेंगे, यही पर बोलेंगे हम, फ्रॉम वन एंड टू क्या बोलेंगे कि ये सेम है तिरछे में, तो ये भी सेम हो जाएगा, यानी क्या होगा एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, यहाँ होगा एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है। और आप चेक कर लो, एक्स पी पी डी एक्स आर आर एफ, ये तब होगा जब हमें ये पी आर डी एफ को पैरल होगा, लेकिन काम उल्टा किया, इसलिए हेडिंग देंगे यहाँ पर हम बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, बी पी टी के कारण, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे हम कि पी आर पैरल डी एफ, सो यहाँ लिखेंगे पी आर पैरल डी एफ। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा उन्होंने पूछा है वैसा ही हम यहाँ पर लाकर बता दिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 में काम करेंगे ऐसा ही, ठीक है। तो देखो, उन्होंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, लेकिन डायग्राम दी नहीं है, सो वी हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। ये मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो क्या कहा, रेबीडी बाइसेक एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये है, इसको बाइसेक कर रहा है रेबीडी, तो दो टुकड़े होंगे ये और ये, पहले लिख लेते क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर काम सेम है तो और भी कर लेते। देखो एंड रे सी बाइसेक ए सी बी, देखो ये हमारा ए सी बी एंगल है, इसको बाइसेक करने वाला रे सी ई है, यानी ये और ये सेम होगा, दोनों का एक साथ बोलते हैं, कौन से रेज, कौन सा एक बी डी है, एक बी डी और दूसरा कौन सा है सी, ठीक है, क्या करते हैं बाइसेक एंगल्स, ठीक है, कौन सा एंगल है, एक है ए बी सी एंगल ए बी सी एंड दूसरा एंगल है ए सी बी, तो यहाँ लिखेंगे आप ए सी बी,
रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आप शब्द डाल देना, ठीक है। और जैसे ही आपको मालूम है कि एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल में दिखते हैं, तो वहां पर प्रॉपर्टी कौन सी चलती है, तो हम हेडिंग देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा, देखो पहले इसका काम करो, ये जो बीडी है, बीडी ऐसा क्या, तो दो टुकड़े एडी और डीसी, यानी क्या होगा एडी अपॉन डीसी, तो एडी की तरफ कौन है एबी और डीसी की तरफ है बीसी, यानी क्या होगा एबी अपॉन बीसी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कौन सा, सी है, तो इसको कट कर रहा हो, तो ए अपॉन ईबी क्या होगा, ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू, इधर में ए की तरफ है एसी और इधर है हमारी बीसी, ठीक है। चलो अब आगे क्या कहा, उसमें देखो सेगमेंट एबी कॉन्ग्रेट एसी, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, बट हम लिखेंगे एबी इज इक्वल टू एसी, यह हमें क्या है गिवन है, तो आप इस एसी के जगह पे क्या रख सकते हो एबी, सो क्या हो जाएगा ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू, देखो एसी के जगह पे एबी होगा अपॉन बीसी, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब कहा क्या है, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ईडी पैरेलल बीसी, देखो ये ईडी को जोड़ दो, ईडी पैरल किसको बताना है बीसी को, लेकिन पैरल बताने के लिए कॉन्वर्स ऑफ पीपीडी, यानी क्या होना चाहिए ए अपॉन ईबी का रेशियो, देखो ए अपॉन ईबी का रेशियो यहाँ पर आया है, ये है ए अपॉन ईबी, दूसरा उधर क्या चाहिए एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी यहाँ रखा है, सो फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों रेशियो सेम आने चाहिए, चलो देखो एडी अपॉन डीसी भी है एबी अपॉन बीसी, ए अपॉन ईबी भी है एबी अपॉन बीसी, मतलब राइट हैंड साइड सेम, तो ये भी सेम हो गया, यानी क्या कहेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो गए, यानी क्या होगा एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी इसी इक्वल टू क्या होगा ए ए अपॉन ई बी होगा, ठीक है। और ये मिल गया तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी क्या बोलेंगे ईडी पैरेलल बीसी, तो यहाँ पे लिख देना ईडी पैरेलल बीसी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चंस क्या करने होते हैं सॉल्व करने थे, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए जो डेटा लगता है वो डेटा यानी बेसिक पॉइंट डेफिनेशन फार्मूले वगैरह हम इसके पहले पढ़े होते हैं, ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करके हम ये सब देखते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।